प्रकार का जो कीड़ा मिला की मस्ती उठते ही चालू हो जाती है। कछुआ आया, देखो कछुआ है, देखो बाबू। ये कछुआ खड़ा भी होना जानता है। क्या कर रहे हो आप? अब मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाने लगी हूँ। और अब मैं ब्रेकफास्ट में इडली बना रही हूँ, और इसके लिए मैं सूजी को दही के साथ सोक करके रखूँगी थोड़ी देर के लिए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आए जय माता दी। रुद्र की मसाज करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, लेकिन जब मुझे लगता है कि उसका मूड थोड़ा ठीक है या वो करवा सकता है, तब मैं उसकी मसाज जरूर करती हूँ। मैं रुद्र की जो मसाज है वो सेबा मैट ऑयल से करती हूँ, और ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। बेबी की जो सेंसिटिव स्किन है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। सेबा मैट में 95% सोया ऑयल है, जिससे बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत ही मॉइस्चराइज रहती है और बहुत ही सॉफ्ट रहती है। ये आप हर वेदर में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है और नॉन ग्रीसी भी है ये। और ये एज अ कॉलिक रिलीवर का भी काम करता है, क्योंकि इससे कॉलिक और गैस जो भी बच्चों को बनती है, ये न्यूबॉर्न्स में तो बहुत ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम। इसके अलावा मैंने कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया है, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ किया है मसाज के लिए, और जॉनसन्स बेबी का ऑयल भी यूज़ किया है, हिमालय का भी यूज़ किया है, सारे अच्छे हैं। और ये रद्दु बेबी नाई नाई कर चुके हैं, है ना? अब रेडी हो चुके हैं। और अब मैं उसके लिए एप्पल स्टीम करने के लिए रख दी हूँ। अभी मैं उसको जो एप्पल देती हूँ वो स्टीम कर देती हूँ, तो जब तक वो सोया है मैं इसको करके रख लूँगी, फिर जब उठेगा तो तब हम उसको ये खिला देंगे। मैं एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में कट करके फिर स्टीम करती हूँ, उससे स्टीम भी जल्दी हो जाता है और बेबी के खाने के लिए भी सही रहता है।
अब जब तक रुद्राक्ष सो रहा है तब तक मैं थोड़ी सी उसके लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। रुद्राक्ष का बर्थडे आने वाला है 9th of May को, तो उसी के लिए मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर रही हूँ और मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, ये रुदु बेबी की निनी हो चुकी है पूरी। और अब रुदु क्या खाएगा? एप्पल। और ये रुद्राक्ष की बदमाशियां शुरू। आज मैं ब्राउनीज़ बना रही हूँ और वो भी बिस्किट से, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए, इसके लिए मैंने हाइड एंड सीक लिया है। हाइड एंड सीक के बिस्किट से मैं ये ब्राउनी बनाऊँगी। जार में मैं बिस्किट्स डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और मतलब फाइन ग्राइंड करना है इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत कम कर, तो कम करने की वजह से उसमें बिस्किट्स के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, जिससे ब्राउनी जो है वो अच्छी नहीं बन पाती है। तो इसलिए बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है बिस्किट का। और अब मैंने केक टिन ले लिया और मैं केक टिन को पहले ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और फिर मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी रिफाइंड फ्लावर की। और कोटिंग के बाद हमारा जितना भी एक्स्ट्रा रिफाइंड फ्लावर होगा उसको हम हटा देंगे। अब हमने रूम टेम्परेचर पर दूध ले लिया है और हम धीरे धीरे इस पाउडर के साथ दूध को मिक्स करेंगे। हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है, ना ही ज़्यादा वाटरी और ना ही ज़्यादा थिक। माइक्रोवेव मैंने प्रीहीट कर दिया है 180 डिग्रीज पर। और अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे 1 सैशे इनो का। अब हम बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में और उसके बाद उसको थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी एयर बबल्स ना हो। और अब मैं इसको 25 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए
रख दूंगी। और अब देखिए 25 मिनट्स के बाद जब मैंने ये निकाला तो देखिए हमारा नाइफ जो है वो बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। और अब हम केक को ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको कट करेंगे।